ವಿರೋಧಿನಯ ಮರ್ದನಂ ವಿವಕ್ಷಿತು ವಾದನಂ ಪರಿಗ್ರಹ ಮೋಚಕಂ ಅಹಿಂಸಾ ಘೋಷಕಂ जो लोग पर्याय को झूठा मानते हैं वह अपनी इस मनुष्य पर्याय में सही पुरुषार्थ कर कैसे सकते हैं? क्या समझ आ रहा है? मनुष्य पर्याय ही अगर झूठी हो गई तो फिर देखो ये कंडीशन ही कहां रही। आचार्यों ने कितना बड़ा सैद्धांतिक कंडीशन बनाई है कि मनुष्य पर्याय से ही सिद्ध पर्याय की प्राप्ति होती है, मनुष्य पर्याय से ही अरिहंत अवस्था की प्राप्ति होती है। जब पर्यायों का व्यवहार झूठा हो गया तो फिर देव पर्याय से भी व्यवहार सिद्ध का बन जाए, पशु भी सिद्ध बन जाए, नार की भी सिद्ध बन जाए। क्योंकि सब व्यवहार झूठा है तो व्यवहार में कोई सत्यता नहीं है, तो व्यवहार में कोई सैद्धांतिक पना नहीं रहा, तो कुछ भी हो सकता है। क्या समझ आ रहा है? कितना बड़ा अपलाप हो जाएगा, कितना बड़ा विनाश हो जाएगा अगर हम व्यवहार को झूठा मान लिए तो। क्या समझ आ रहा है? ना आप किसी को गुरु बना पाओगे और ना किसी की गुरु स्वीकार कर पाओगे, यहां तक कि आप ये भी नहीं कह पाओगे कि भगवान महावीर स्वामी का जन्म उनकी माँ की कोख से हुआ और उनकी माँ का नाम त्रिशला था, पिता का नाम सिद्धार्थ था, क्योंकि ये सब व्यवहार झूठा है। कोई पूछे कहाँ भगवान का जन्म हुआ, कौन उनके पिता थे, कौन उनके माता थे, अरे संसार में कोई किसी का माँ नहीं, कोई किसी का पिता नहीं, ये सब कहने के व्यवहार हैं, झूठे हैं, कोई भगवान अगवान कहीं उत्पन्न हुए ही नहीं। क्या समझ आ रहा है? क्या शुरू होगा, क्या चलेगा? इसलिए आचार्य हर चीज को, हर गाथा में द्रव्य को भी बता रहे हैं और पर्याय को भी बता रहे हैं। समझ आ रहा है? आचार्य कुंद देव द्रव्य को भी साथ में रख रहे हैं और पर्याय को भी साथ। देखो एक ही गाथा में एक पद में कह रहे हैं जायदि नेवण नश्यति, जीव कभी भी ना उत्पन्न होता है ना नष्ट होता है। ये उन्होंने क्या बता दिया? द्रव्य दृष्टि से बता दिया। समझ आ रहा? फिर अगले क्षण कहने लग जाते हैं खड़भंग समुभवे जने कोई, फिर भी कोई क्षण भर में उत्पन्न हो रहा है और क्षण भर में नष्ट हो रहा है, यह पर्याय दृष्टि आ गई। तो दोनों ही चीजों को एक साथ बताया जा रहा है, दोनों ही का ज्ञान एक साथ कराया जा रहा है, इसलिए द्रव्य का भी जो ज्ञान कराया गया उसके साथ पर्याय का भी ज्ञान कराया गया। और अगर हम यहां पर देखें तो इन गाथाओं में जो उससे ऊपर की दोनों गाथाएं थी वहां पर पर्याय की मुख्यता से ही वर्णन है और यहां पर भी पर्याय की मुख्यता से ही वर्णन है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि संसार में जो हमें नानापन, अनेक प्रकार की चीजें, अनेक विचित्रताएं, अनेक रूप रंग आदि जो दिखाई दे रहे हैं, ये सब पर्यायों के कारण से दिखाई दे रहे हैं, इसी का नाम संसार है। तो ये सब पर्याय है, पर्याय है तो सत्य है, सत्य है तो संसार सत्य है, संसार सत्य है तो ही आपके लिए यह भाव आएगा कि मैं संसार में बंधा हूं, तो बंध तत्व भी सत्य है। क्या समझ आ रहा है? क्योंकि जब संसार ही असत्य हो गया तो फिर हम संसार में हैं यह भी असत्य हो गया, हमारी आत्मा संसार में कर्म से बंधी है यह भी असत्य हो जाएगा, सब असत्य हो जाएगा। जब सब असत्य हो गया तो फिर अब आपको अपनी आत्मा को संसार से हटाने का, छुड़ाने का, संवर निर्जरा करने का कोई पुरुषार्थ करना क्या करना? सब असत्य है, एक को छोड़ो, दूसरे को प्राप्त करो, कहीं पे बंद हो रहा है उसको रोको, कहीं पर संवर करो, कुछ निर्जरा करो, ये तो सब कर्म में कर्म का हो रहा है, मेरी आत्मा में कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए आत्मा सत्य है, बाकी सब असत्य है। समझ आ रहा है? ऐसा व्यक्ति कभी भी सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकता।
द्रव्य के सापेक्ष पर्याय को जानने वाला और पर्याय के सापेक्ष द्रव्य को जानने वाला ही सम्यक दृष्टि होता है। इसलिए द्रव्य को भी जानो और पर्याय को भी जानो। द्रव्य को देखो तो ये भी देखो उस द्रव्य की कौन सी पर्याय निकल रही है, और पर्याय पे दृष्टि जाए तो ये देखो ये पर्याय किस द्रव्य की निकल रही है। पर्याय को देख करके द्रव्य की ओर देखना सीखो और द्रव्य को देख करके पर्याय की ओर देखना। एक द्रव्य में कई पर्याय निकलती हैं तो यह भी देखो कि कौन सी पर्याय किस अवस्था में कब निकल रही है और वह पर्याय कितने समय तक की है। वह पर्याय इसी एक द्रव्य की बनी हुई है तो वह पर्यायों में भी जो नाना पना दिखते हुए भी उसे द्रव्य में एक पना दिखेगा, तो इसी को आचार्य कहते हैं जो एक है वही अनेक है, जो अनेक है वही एक है। इसी को कहते हैं इस एक रूप होकर के भी हर पदार्थ अनेक रूप है। ये द्रव्य और पर्याय की समूची व्यवस्था कहलाती है। इसलिए कभी भी ये मत सोचना कि पर्याय झूठ होती है, पर्याय असत्य होती है, पर्याय केवल जो है व्यवहार के लिए ही होती है। ऐसा नहीं है। कोई भी द्रव्य कभी भी पर्याय के बिना नहीं होता। द्रव्य का जैसा स्वभाव है पर्याय का भी उसी प्रकार का स्वभाव है। द्रव्य का स्वभाव एक जैसा बने रहना तो पर्याय का स्वभाव नष्ट होते रहना, उत्पन्न होते रहना। असद्भूत का मतलब इसलिए हो जाता है कि वह उसके साथ में रहते हुए भी उसका स्वभाव नहीं है। क्या समझ आया? द्रव्य के साथ उत्पन्न होकर के नष्ट हो गई ना। सत जो रहता है वो वैसा का वैसा ही बना रहता है, असत जो होता है उसी में तो उत्पाद और विनाश होगा। तो असद भूत का मतलब क्या हो गया? वह उत्पन्न होती है नष्ट हो जाती है। तो जो उत्पन्न हुई वो पहले थी नहीं तो असत का उत्पाद हुआ, ये पहले बता के तो आए। और जो विनाश हो गया वो विनाश किसका हुआ? वो असत का ही विनाश हो गया। सत तो ज्यों का त्यों बना रहा, इसलिए असद्भूत है क्योंकि वो उत्पन्न हो रही है नष्ट हो रही है। तो असत का मतलब वह विद्यमान नहीं रही। असत माने सत माने विद्यमान, एग्जिस्टेंस होना, और असत माने उसका एग्जिस्टेंस हटते जाना, बनते जाना, मिटते जाना, इसलिए असद्भूत है। तो पर्याय हमेशा इसी स्वभाव वाली है। पर्याय असद्भूत ही होती है, इसलिए असद्भूत भी व्यवहार सत्य है क्योंकि वह पर्याय को बताने वाला है। सद्भूत व्यवहार जिस तरह से सत्य है असद्भूत व्यवहार भी उसी तरह से सत्य है, क्योंकि तीर्थंकर भगवान ने द्रव्य और पर्याय दोनों की व्यवस्था बताई है। द्रव्य को ही अगर सत्य कहा होता और यह कहा होता पर्याय झूठी है झूठी है झूठी है तो हम कह सकते थे हाँ असद्भूत जो पर्याय है वो झूठी है, लेकिन ऐसा होता ही नहीं। कहीं पर भी बताओ, इतनी प्रवचन सार पढ़ के आ रहे हो, कहीं पर ये लिखा हो पर्याय झूठी है द्रव्य सत्य है, कहीं मिला आपको? कहीं नहीं मिलेगा, ना समय सार में ना कहीं, कहीं नहीं। जो है उसका अर्थ कुछ और है, लगाया कुछ और जाता है। इतना ही कहा है इन पर्यायों में मूढ़ मत बनो, माने इन पर्यायों को अपना स्वभाव मत मानो, क्योंकि पर्याय नष्ट होने वाली है। नष्ट होने वाली चीज को तुमने अपना मान लिया तो फिर तुम भी नष्ट हो गए, क्योंकि वो नष्ट हो गई तो तुम्हारी बुद्धि भी फिर उस समय पर दुखी होगी। नष्ट हो गई क्योंकि तुमने मोह करके उसको अपना माना था, तो वह तुम्हारा मोह का भाव जब नष्ट होगा तो फिर तुम्हारे लिए दुख होगा, पुनः तुम्हारी पर्याय से आसक्ति बनी रहेगी। इसलिए कहा पर्याय में मूड मत बनो, मतलब पर्याय को अपना स्वभाव मत जानो, लेकिन पर्याय का स्वभाव तो जानो। क्या कहा जा रहा है? पर्याय को अपना स्वभाव मत जानो लेकिन पर्याय का स्वभाव तो जानो। नर नारक आदि ये कर्म के द्वारा उत्पन्न हुई पर्याय हैं ये तो जानो, लेकिन ये मत जानो कि यही हमारा स्वभाव है कि हम मनुष्य बने रहेंगे, कि हम मनुष्य थे। मनुष्य पर्याय से भी मोह मत करो क्योंकि ये नष्ट होने वाली चीज है। यही पर्याय का मोह तुम्हें फिर पर्याय की उत्पत्ति का कारण बनेगा, क्योंकि मोह जिससे होगा वही चीज तुम्हें फिर प्राप्त होगी।
इसलिए पर्याय में मोह मत करो, मूड मत बनो, इसका तात्पर्य है। लेकिन यह तो नहीं कहा कि पर्याय को झूठा जानो, पर्याय को सची मत मानो, अथवा पर्याय को स्वीकार ही मत करो, या पर्याय को जानो ही नहीं, ऐसा तो नहीं कहा। पर्याय को जानो, पर्याय का स्वभाव पहचानो, संसार का भी स्वभाव जानो, मोक्ष का भी स्वभाव जानो। जब संसारी जीव मोक्ष मार्गी बनता है तो यह भी एक पर्याय का दूसरी पर्याय में रूपांतरण होता है। द्रव्य तो वही है, हमारा आत्मा परम आत्मा है, परम आत्म द्रव्य है, वह परम आत्म द्रव्य तो वही बना रहा। हमने मिथ्या दर्शन को छोड़ा, सम्यक दर्शन ग्रहण कर लिया, तो मिथ्या दर्शन भी एक पर्याय है और सम्यक दर्शन भी एक पर्याय है। मिथ्या ज्ञान छूट गया, सम्यक ज्ञान आ गया, मिथ्या ज्ञान भी एक पर्याय थी, सम्यक ज्ञान भी एक पर्याय है। मिथ्या चारित्र छोड़ा, सम्यक चारित्र ग्रहण किया, मिथ्या चारित्र भी एक पर्याय है, सम्यक चारित्र भी एक पर्याय है। मिथ्या दर्शन की वह पर्याय जो नष्ट हुई, सम्यक दर्शन की पर्याय उत्पन्न हुई, वह उसकी एक श्रद्धा गुण, सम्यक गुण उसकी पर्याय है। मिथ्या ज्ञान नष्ट हुआ, सम्यक ज्ञान आया, वह ज्ञान गुण की पर्याय थी। गुण तो वही है, ज्ञान तो ज्ञान है, उसकी एक पर्याय नष्ट हुई, दूसरी पर्याय आ गई। फिर चारित्र की पर्याय, चारित्र गुण की जो मिथ्या पर्याय थी वो नष्ट हुई, सम्यक पर्याय थी वो उत्पन्न हो गई। पर्याय ही तो उत्पन्न करना है, द्रव्य को क्या उत्पन्न करना है। संसार से मोक्ष मार्ग की यात्रा जब प्रारंभ होगी तो केवल पर्यायों में ही रूपांतरण होगा। श्रद्धा गुण, ज्ञान गुण, चारित्र गुण ये तो हैं, लेकिन ये उल्टे परिणमन कर रहे हैं, इनका समीचीन परिणमन कराना है तो परिणमन ही तो समीचीन हुआ, पर्याय में ही तो अंतर डालना पड़ेगा। इसलिए मोक्ष मार्ग भी एक पर्याय का ही नाम है, मोक्ष मार्ग कोई द्रव्य का नाम नहीं है। तो मोक्ष भी पर्याय ही है, संसार की पर्याय छूटी और मोक्ष की पर्याय प्राप्त हुई, द्रव्य वही का वही बना रहा। करना क्या है, पर्याय को ही प्राप्त करना है। इसलिए आचार्य कहते हैं मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्राप्त करो पहले। तो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र ये क्या है, ये सब मोक्ष मार्ग की पर्याय है। समझ आ रहा है, जिसको सम्यक दर्शन हो गया उसको अभी केवल एक गुण की पर्याय मिली, सम्यक दर्शन, उसके साथ सम्यक ज्ञान भी हो गया, दूसरे गुण की पर्याय आ गई। अब सम्यक चारित्र की पर्याय, जब चारित्र गुण का सही परिणाम होगा तब आएगी, फिर ये तीनों पर्याय एक साथ चलेंगी, तब जाकर के निश्चय सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूप मोक्ष मार्ग बनेगा। और फिर उस मोक्ष मार्ग की एकता होने पर ही मोक्ष रूप पर्याय उत्पन्न होगी। तो एक पर्याय से दूसरी पर्याय उत्पन्न होती चली जाती है, द्रव्य वही बना रहता है, मिट्टी वही है, लौंदा बना, सकोरा बना, वही गढ़ा बन गया। मिट्टी तो एक पिछले वाली पर्याय नष्ट हुई, आगे वाली पर्याय उत्पन्न हो गई। मोक्ष में क्या होगा, संसार पर्याय का विनाश और मुक्ति पर्याय का उत्पाद और जीव द्रव्य का ज्यों का त्यों बना रहना, और क्या होता है। तो मोक्ष भी एक पर्याय है, मोक्ष मोक्ष तो सब लोग कर रहे हैं, कोई द्रव्य नहीं है मोक्ष। मोक्ष मार्ग भी एक पर्याय है। पर्याय दृष्टि को हे कहने वालों को थोड़ा ज्ञान रखना है कि पर्याय को पहले जानो कि पर्याय के बिना कुछ भी नहीं हो रहा है। पर्याय को ही प्राप्त करना है, द्रव्य को क्या प्राप्त करना। द्रव्य तो जो है सो है, ना तो वो नष्ट होता है ना उत्पन्न होता है। द्रव्य तो अपने अनंत गुणों के साथ अभी भी है, उन अनंत गुणों का अभी आवरण कर्मों के ऊपर, कर्मों के माध्यम से पड़ा है, तो बस उस आवरण को नष्ट करना है। द्रव्य तो अनंत गुणों से अभी भी समृद्ध है। क्या समझ आ रहा है, हमारी दृष्टि में जब तक ये पर्याय का ज्ञान भी सही तरीके का नहीं आएगा, तब तक भी हम पर्याय मूड बने रहेंगे। जो वहां लिखा था ना, पर्याय से मूड नहीं बनना, हम पर्याय पर्याय को मिथ्या कह के करके भी पर्याय मूड बनते चले जा रहे हैं। ये भी पर्याय की मूढ़ता है जो हम पर्याय को मिथ्या बोल रहे हैं। मिथ्या क्या होती, जगत में हर चीज सम्यक है, मिथ्या है ही क्या।
जिस द्रव्य के जैसे कर्मों का उदय उसकी वैसी पर्याय निकल रही है, वो उसकी सत्य है, पर्याय है सो सत्य है। हम किसी चीज को झूठ कहें कहां, अनेक नए हैं और उन नयों के माध्यम से जब हम सापेक्ष दृष्टि रखते हैं तो कभी भी पर्याय मिथ्या होती नहीं है। पर्याय झूठ तब होती है जब हम द्रव्य की जानकारी के बिना केवल पर्याय को पकड़ते हैं और पर्याय को ही हम मानते हैं, द्रव्य को नहीं मानते हैं, तो पर्याय झूठ होती है, अन्यथा पर्याय तो पर्याय है, पर्याय हमेशा द्रव्य के साथ रहती है। सम्यक दर्शन भी एक पर्याय है, सम्यक ज्ञान भी पर्याय है, सम्यक चारित्र भी पर्याय है, व्यवहार मोक्ष मार्ग भी एक पर्याय है, निश्चय मोक्ष मार्ग भी एक पर्याय है और स्वयं मोक्ष भी एक पर्याय है। इसलिए आचार्य जयसेन महाराज हमेशा हर अपनी गाथा की टीका में लिखते हैं कि जो विशुद्ध दर्शन ज्ञान स्वभाव वाला अपना परमात्म द्रव्य है वह तो द्रव्य रूप है, संसार पर्याय का विनाश करता है और मोक्ष पर्याय को उत्पन्न कर लेता है, लेकिन अपना ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला परम आत्म द्रव्य तो वही बना रहता है। समझ आ रहा है? ये ध्यान रखो। आज लोगों ने सम्यक ज्ञान के साथ में भी अनेक तरह की मूढ़ताएं पाल रखी हैं। इन मूढ़ताओं को जब तक हम नहीं छोड़ेंगे, इन प्रवचन सार के कवि प्रवचनों का अर्थ, भगवान के वचनों का अर्थ हमारी समझ में आने वाला नहीं है। देखो आगे भी एक गाथा है, बहुत अच्छी है। संसार तो क्षणिक है यह तो सही है, कोई यहां जन्मता उत्पाद सो विलय निश्चय गा रहा है जन्म नाश विविधा। अब देखो, तम्मा दुनत्थि कोई स्वभाव समवट्ठि दोत्ति संसारे, संसारो पुण क्रिया संसर्माणस्य दवस। हाँ, बहुत अच्छी गाथा, एक बार पढ़ो इसको। तम्मा दुनत्थि कोई स्वभाव समवट्ठि संसारो पुण क्रिया संसर्माणस्य। देखो तम्मा माने इसलिए, समझ आ रहा है ना? तम्मा माने हाँ इसलिए, किस लिए? जो पिछली वाली गाथा में बताया था कि हर द्रव्य अपने स्वभाव से स्थिर है और पर्याय से अनवस्थित है, अस्थिर है, अस्थायी पने को लिए हुए, इसलिए नत्थी कोई स्वभाव संवट्ठ दोत्ति संसारे। संसारे माने संसार में कोई भी नहीं है, नत्थी कोई, कोई नहीं है का मतलब क्या हुआ? कोई भी ऐसा नहीं है जो कैसा बना रहे, स्वभाव समवट्ठि दो, मतलब अपने स्वभाव में अवस्थित बना रहे। संसार में कोई भी जीव द्रव्य अपने किसी भी पर्याय स्वभाव में स्थित रह ही नहीं सकता है। क्या समझ आ रहा है? जो पर्याय स्वभाव की बात पीछे की थी, विभाव स्वभाव की बात पीछे की थी, उसमें भी कोई भी द्रव्य अपने आप में अवस्थित नहीं रह सकता है। मतलब कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो पर्यायों के साथ अनवस्थित रूप से प्रतीति में आता हुआ भी उसमें स्थित हुआ बना रहे, माने पर्यायों के साथ स्थित स्वभाव के साथ बना रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या बोले? अनवस्थित स्वभाव वाला है, स्वभाव समवट्ठि दो, अपने स्वभाव में अवस्थित रहने वाला नहीं हो सकता है। मतलब यह है कि पर्याय स्वभाव में ही हमेशा बना रहे ऐसा नहीं है, पर्याय उसकी बदलती रहती है, ये इसका तात्पर्य है। कोई भी संसार में ऐसा द्रव्य नहीं है जो जैसा है वैसा ही आपको दिखाई देता रहे। आप फलाने चंद, क्या नाम आपका? तो वह हमेशा ही वैसा ही दिखाई देता रहे, ऐसा कोई भी अपने आप में अवस्थित स्थित अपने ही इस पर्याय स्वभाव में स्थित होता हुआ कोई भी संसार में रह ही नहीं सकता है।
इसी का नाम संसार है। अब ये संसार में ऐसा क्यों होता है, ये किसने बनाया, ये कैसा क्यों जन्म हो रहा है, क्यों मरण हो रहा है, ये सब अपने स्वभाव से हो रहा है। कोई भी पर्याय यहां टिक ही नहीं सकती है, टिकाव यहां पे है ही नहीं, कुछ भी यहां स्थित पना है ही नहीं, कॉन्स्टेंसी यहां पर कहीं है ही नहीं, किसी भी प्रकार के यहां पर एक रूपता है ही नहीं किसी भी जगह पर। समझ आ रहा है? किसी भी ऊंचे से ऊंचे पद की प्राप्ति कर लो, पीएम बन जाओ, गवर्नर बन जाओ, 5 साल बाद 6 साल बाद हटना है, फिर मशक्कत करो चुनाव की, कर लो तो फिर 5 साल के लिए, लेकिन उसमें भी मशक्कत करते रहोगे 5 साल तक तब, और अगर 2 बार आ गए तो 3री बार तो जनता तुम्हें गिरा ही देगी, यार बहुत हो गया, 10 साल हो गई इससे, अब दूसरा देखेंगे। समझ आ रहा है? अपने किसी भी पर्याय स्वभाव में कोई स्थित रह ही नहीं सकता है। ये संसार देखो कितनी अच्छी संसार की व्यवस्था बताई है। संसार किसका नाम है? देखो एक लाइन याद रखना, संसारो पुण क्रिया, पुणे कहते हैं, संसार किसका नाम है? क्रिया का नाम ही संसार है। बस संसार में क्या हो रहा है? केवल क्रिया चल रही है। क्रिया का मतलब क्या है? एक पर्याय का नष्ट होना, दूसरे पर्याय का उत्पन्न होना, ये उत्पाद और नाश रूप क्रिया का नाम ही संसार है, बाकी और कुछ नहीं है संसार में। आप देख लो, जो सुखी है तो वह किसी चीज को थोड़ी देर के लिए पकड़ करके सुखी है कि हां जब तक ये पर्याय हमारे साथ है तब तक सुख है, और जो दुखी है तो वो इस बात से दुखी है कि पर्याय मेरी पकड़ में नहीं आई, मैंने सोचा था ये पर्याय मेरे साथ रहेगी लेकिन नहीं रही, चली गई। बस इसी का नाम संसार है। संसारोपण क्रिया, संसार में कुछ नहीं है क्रिया के अलावा। आप सोच रहे हो कि हम 10 वर्ष बाद ये कर लेंगे, 20 वर्ष बाद ये कर लेंगे, समझ आ रहा है? कल को कौन सी बीमारी हो जाए, कहां कैंसर हो जाए, कहां पे गांठ आ जाए, कहां पे जो है आदमी के दांत में दर्द हो जाता है, दांत का इंजेक्शन लगवाने जाता है, मुंह सूज जाता है, और फिर जो है उसके लिए देखता है तो पूरे शरीर में जहर फैल जाता, मर जाता है। समझ आ रहा है ना? केस तो देखो कैसे कैसे होते हैं। एक दांत निकलवाने गया, दूसरा दांत उसके साथ निकल गया, ऐसा डॉक्टर ने कुछ इंजेक्शन लगा दिया कि उसका रिएक्शन हो गया, मर गया। क्या है सब? क्रिया, कुछ उत्पन्न हो रहा है, कुछ नष्ट हो रहा है, शरीर में भी क्रिया चल रही है, आत्मा में भी क्रिया चल रही है। आत्मा की क्रिया आपको बताई थी, राग और द्वेष, आत्मा की क्रिया और शरीर की क्रिया। बस अपनी पर्यायों को अनेक, जैसे उसको द्रव्य क्षेत्र सामग्री मिलेगी उसके अनुसार ढलते जाना है शरीर की क्रिया। बड़े हो रहे हो, बड़े होते होते भी अगर आपके लिए जहां जैसा माहौल मिलेगा, वातावरण मिलेगा, जहां की जैसी संगति मिलेगी, आप उसी तरीके से बड़े हो जाओगे। आदमी बड़ा होते होते चोर भी बन जाता है, आतंकवादी भी बन जाता है, शराबी भी बन जाता है, समझ आ रहा है, कबाड़ी भी बन जाता है, और कोई अच्छा संगति मिल जाती है तो कोई अच्छा इंजीनियर, डॉक्टर, एक अच्छा आदमी भी बन जाता है, और अच्छी संगति मिल जाती है, समझ आ रहा है, तो वह संसार को छोड़ करके मोक्ष मार्ग पर भी लग जाता है। सब क्रियाएं ही हैं, अब चूज आपको करना है कौन सी क्रियाएं करना है। एक संसार की क्रियाएं भी संसार की क्रियाएं हैं, मोक्ष मार्ग की क्रियाएं भी मोक्ष मार्ग की क्रियाएं, जहां चलना हो वहां चलो, सब पाथ खुले हुए हैं। क्रिया के अलावा संसार में कुछ है ही नहीं है, संसार में आए हो तो क्रिया होगी ही। संसारो पुण क्रिया, किसकी क्रिया? संसार मानस दब्बस, जो द्रव्य संसरण कर रहा है, माने जो द्रव्य भ्रमण कर रहा है, उस भ्रमण करने वाले द्रव्य की बस क्रिया, एक पर्याय को छोड़ी दूसरी पर्याय उत्पन्न हुई, बस यही उसका संसार। और संसार में होता क्या है? सब जगह ही तो हो रहा है, देखो ना, जीवों की उत्पत्ति, जीवों का मरण, उन्हीं जीवों के साथ खिलवाड़, उन्हीं जीवों के साथ किसी भी तरीके का उनको अपने काम में लाना, चाहे भोजन पानी के रूप में काम में लाना, चाहे इंद्रिय सुखों के लिए काम में लाना, सब इसी का तो नाम संसार है। जीवों का मरण, जीवों का जन्म, और कुछ ही नहीं। बाकी जो पुद्गल द्रव्य है तो वह पुद्गल द्रव्य भी हमारे लिए उस भोग उपभोग की सामग्री में सहायक बन जाता है, तो वह भी जो है अपनी क्रिया अपने अनुसार करने लग जाता है।
उस पुद्गल द्रव्य को भी हमने अपने अनुसार ढाल लिया, लोहा पड़ा था कहीं हमने उसका मायक बना दिया, समझ आ रहा है? कपास पड़ा था कहीं कोई किसी भी तरीके का कपड़ा बना लिया, तो हमने उसको अपने तरीके से ढाल लिया, वो भी सब क्रिया ही है। लेकिन ये जो क्रिया जो जीव द्रव्य के साथ चल रही है वह संसार रूपी क्रिया तो उसी के साथ है। उनका तो संसार में क्या है, उनको तो कोई मोक्ष होना नहीं, वो तो संसार की द्रव्य हैं, वो संसार में रहेंगे। पुद्गल द्रव्य संसार में थे, हैं और रहेंगे। जीव द्रव्य के साथ इतना जरूर है कि वह अपनी संसार की क्रिया रोक करके मोक्ष की क्रिया का संपादन कर सकता है। बाकी पुद्गल तो जो है सो पड़े हैं, सो पड़े ही रहेंगे। कितने अच्छी परिभाषा संसार की, आंखें खोलने लायक है, संसार में कुछ भी नहीं है, समझ आ रहा है? दुनिया को एक दृष्टि में देख लो चाहे अनेक दृष्टि में देख लो, द्रव्य और पर्यायों के परिणमन के अलावा कुछ नहीं है संसार में। हर द्रव्य अपनी पर्यायों के साथ ही परिणमन कर रहा है। किसी की कोई पर्याय अच्छी लग जाती है तो बस राग हो जाता है, किसी की उसी पर्याय से द्वेष हो जाता है तो बस घृणा हो जाती है। तू हट, तू आ जा, तू जा, तू आ जा, उसके अलावा और क्या है? तू पास में रह, तू दूर जा। क्या समझ आ रहा? और क्या हो रहा है संसार में? आदमी बस अब अपने मन है, तृष्णा है, धन है, पैसा है, इसके पीछे पड़ा है, लेकिन उद्देश्य उसका वही है, भोग सामग्री अनेक तरीके की विलासताओं के साथ जीवन जीना है, और उसी में सोचते सोचते मरना तो सबको है ही है, बस वो अपने तरीके से, कोई रोगी के साथ, कोई किसी के साथ, कोई अपने पाप के साथ मर जाता है, कोई पुण्य के साथ मर जाता है, सब आखिर क्रिया तो द्रव्य की चलती रहेगी। जीवन मरण बुढ़ापा जवानी ये सब चलते रहेंगे। हम भीतर से अपनी आत्मा के साथ कुछ कर रहे हैं, कुछ क्रिया में परिवर्तन तो वो अपना है, नहीं तो वो संसार में सब जीवों का जैसा चल रहा है वैसा चल ही रहा है। संसार मानस दब्बस, घूम रहा है जीव। अब बहुत बड़ी घूमती हुई चीज को एकदम से रोकना, विराम देना बड़ा कठिन काम है। जैसे घूमते हुए किसी पहिए के बीच को रोक देना, एकदम से हाथ लगा देना माने अपनी उंगली को काटना है। फास्ट ट्रेन जा रही है, एकदम से उसको रोक देना माने उसको पलटी खिला देना है, समझ आ रहा है? ऐसे ही संसार में संसरण करने वाले द्रव्य की, संसार की जो क्रियाएं हैं उनको रोकना एकदम से नहीं हो सकता, वो धीरे ही धीरे 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 रुकेगी। एकदम से तो रुक गई तो एकदम से फिर मोक्ष हो जाएगा, तो इसलिए पंचम काल में एकदम से मोक्ष होता ही नहीं है, समझ आ रहा है? धीरे 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 पहले समझ तो ले, आगे स्टॉपेज तक अपने को गाड़ी रोकना है। अगर ड्राइवर को ये मालूम होगा तो अभी से तैयारी करेगा ब्रेक लगाने की, तब जाकर के 3 किलोमीटर बाद जो है वो ट्रेन रुकती है, जो 90 की स्पीड पर चल रही है, 100 की स्पीड पर चल रही है, समझ आ रहा है? जस्ट ब्रेक, जस्ट स्टॉप, ये तो होता ही नहीं। तो आज अभी सोचोगे ब्रेक लगाने की, तब 3 साल बाद, 4 साल बाद कुछ भावों में कुछ ब्रेक लगेगी, कुछ तब होएगा, धीरे धीरे रुकती गाड़ी, समझ आ रहा? एकदम तो फिर भी नहीं रुकेगी, चलती रहेगी चलती रहेगी, बस ये उसका ट्रैक चेंज हो जाएगा, तो उसके लिए भी थोड़ी सी उसकी वेलोसिटी कम होनी चाहिए, तब जाकर के वो ट्रैक चेंज होता है। तो संसार मार्ग से मोक्ष मार्ग का भी ट्रैक चेंज करने के लिए जो संसार की क्रियाएं चल रही हैं इनको रोकना पड़ता है, हल्का करना पड़ता है, गाड़ी में थोड़ा सा रिवर्स गियर डालना पड़ता है। आ रहा है समझ में? नहीं तो संसारो पूर्ण क्रिया, संसार किसका नाम है? क्रिया का नाम है। क्रिया का मतलब कुछ बनना कुछ मिटना, कुछ उत्पन्न होना कुछ नष्ट होना, ये सब चलता रहता है। मिट्टी का घड़ा बन गया, मिट्टी का प्रेशर कुकर बन गया, मिट्टी का मकान बन गया, मिट्टी का कुल्हड़ बन गया, कुछ ना कुछ बन ही जाएगा। वहीं वहां पे टूट गया, फिर मिट्टी में मिल गया, फिर मिट्टी का फिर कुछ बन गया, फिर टूट गया, इसी का नाम क्रिया है, इसी का नाम संसार है, और कुछ है क्या है? ये भी मिट्टी का ही घड़ा है, मनुष्य की पर्याय क्या है? मिट्टी की तरह ही है ना। हाँ, कब धक्का लग जाता है, कब गिर पड़ता है, कब टूट जाता है, कब मर जाता है, फिर बन जाता है, चलता रहता है संसारोपण क्रिया। सुन रहे हो?
जिनकी क्रिया पूरी हो रही है, समझ आ रहा है ना, क्रिया कर्म होने से पहले कुछ क्रिया को ऐसे कर्मों के साथ जोड़ लो कि जिससे कि अपनी संसार की क्रिया मोक्ष की क्रिया बन जाए, समझ आ रहा है। बस इतना ही सा तो अंतर होता है। अगर आपने मोक्ष की क्रिया अपनाई होगी तो देखो अंत में क्या होता है, संसार की क्रिया को अपनाने वाला लेटा हुआ आता है और लेटा हुआ ही जाता है, समझ आ रहा है। जब जन्म लेता है तो लेटा हुआ ही आता है और लेटा हुआ ही चला जाता है। लेकिन जिसने मोक्ष की क्रिया अपना ली तो आया तो लेटा हुआ था लेकिन जाएगा बैठा हुआ, लेटा हुआ नहीं जाएगा, फिर वो कैसा जाएगा, बैठा हुआ। कई बच्चे पूछते हैं कि महाराजों के जब मरण होते हैं तो उन्हें बैठा के क्यों ले जाते हैं, है? बैठा के क्यों ले जाते हैं और लेटा के क्यों नहीं ले जाते हैं। उसका कारण यही है कि उसने अपनी क्रिया को कुछ बदला, संसार की जैसी क्रियाओं में नहीं पड़ा तो उसकी क्रिया में ये परिवर्तन आया, ट्रैक उसने चेंज किया, आया तो लेटा हुआ था लेकिन बड़ी जागृति के साथ में वह मरा तो बैठ करके गया है, इस बात को बताने के लिए उसको बिठाया जाता है। भले ही वो मरने के बाद में उसका गर्दन है लटक जाती है, बैठा नहीं जाता, लेकिन उसको बांध करके भी इसलिए दिखाया जाता है कि देखो ये लेट करके सामान्य संसारी जीवों की तरह नहीं गया है, ये भीतर से जागृत होकर के मरा था इसलिए बैठ करके इसकी यात्रा ले जाई जा रही है, समझ आ रहा है। क्रिया ही संसार है और क्रिया ही मोक्ष। क्रिया को ही बदलो, पर्याय जो अभी संसार रूप में ढलती चली जा रही है उस पर्याय को ही रोको, पर्याय को ही आपको रोकना पड़ेगा, और वही पर्याय जो अभी पाप रूप है पुण्य रूप आएगी, अशुभ रूप है शुभ रूप आएगी, क्रिया में ही परिवर्तन आना है, क्रिया से ही संसार से मोक्ष होगा। और संसार से मोक्ष होना भी एक क्रिया ही है लेकिन वो अंतिम क्रिया होगी, समझ आ रहा है। संसार पर्याय का छूटना और मोक्ष पर्याय का प्राप्त होना यह भी एक क्रिया है, लेकिन यह अंतिम क्रिया जिस जीव की जिस समय हो जाएगी वह जीव हमेशा के लिए सिद्ध बन जाएगा, उसकी फिर बाद में फिर क्रिया उसकी कोई परिवर्तन रूप कोई क्रिया नहीं होगी, फिर वह निष्क्रिय हो जाएगा। इसलिए सिद्ध भगवान को निष्क्रिय कहा जाता है, निष्कर्मा निकम्मा। सुनो सिद्ध भगवान को क्या कहा गया है, निष्कर्मा। वो जाकर के वहां बैठ गए, उन्हें अब कुछ नहीं करना, तो उनको देख करके संसारी जीवों ने अपने आप को निकम्मा बना लिया, समझ आ रहा है। वो सिद्ध भगवान बैठे हैं तो हम भी बैठ जाते हैं, हमें भी कुछ नहीं करना है। तो यहां पर जब कोई आदमी कुछ काम नहीं करता बैठा रहता है तो उसे कहा जाता है क्यों निकम्मा बैठा बना बैठा है, निठल्ला क्यों बैठा है, निकम्मा क्यों बैठा है, कुछ कर दो। तो वो निकम्मा शब्द किसके लिए था, उन सिद्ध भगवान के लिए था कि जो कर्मों से रहित हो गए, निष्कर्मा निष्कर्म हो गए, वो तो ठीक है लेकिन तू क्यों निष्कर्म हो रहा है, तू तो अभी क्रिया कर अपनी कुछ ना कुछ, संसार की क्रिया छोड़ मोक्ष की क्रिया कर। तो संसार में जीव हमेशा सक्रिय ही रहता है, समझ आ रहा है, मोक्ष में ही जीव निष्क्रिय होता है। संसार में सकर्म होता है, मोक्ष में ही निष्कर्म होता है। संसार में है तो आपको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, निठल्ले नहीं बैठ सकते हो, बैठे भी होगे तो भी कुछ ना कुछ कर रहे होगे। ये निष्कर्मपना आना ये सिद्ध अवस्था का प्रतीक होता है। तो ये समझना है कि संसार किसका नाम है, क्रिया का नाम है। तो जो संसार की क्रिया है वो संसार की क्रिया, जो मोक्ष की क्रिया है मोक्ष की क्रिया, संसार में ही रह करके मोक्ष की क्रिया होगी और संसार में ही रह करके संसार की क्रिया होगी। मोक्ष की क्रिया कोई सिद्धालय में बैठ के नहीं होगी, मोक्ष की क्रिया की प्राप्ति की तैयारी उत्पत्ति की तैयारी यहीं पे करनी पड़ेगी। और जब मोक्ष की क्रिया संपादित हो जाएगी तो बस फिर क्रिया रुक जाएगी, फिर परिभ्रमण नहीं होगा। संसरण माने जो घूमने वाला द्रव्य था अब नहीं घूमेगा, वो एक जगह रुक गया,
उसकी क्रिया रुक गई। जब तक संसार में है तब तक वो द्रव्य रुक ही नहीं सकता, कहीं पर भी कहीं पर अवस्थित रह ही नहीं सकता संसार में। इसलिए कहा है ऐसा कोई द्रव्य भी नहीं जो संसार में एक रूप में हमेशा अवस्थित बना रहे, उसके स्वभाव में है ही नहीं है, क्योंकि पर्याय का ये स्वभाव है ही नहीं कि वो अवस्थित बनी रहे। समझ आ गया? इतना ही पर्याप्त। शुद्धात्म सा शुचि अतः कुछ ना, कोई स्वभावथित ही जग में, संसार की यह क्रिया रति राग, संसार है भटकता नहीं। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, प्रापितं भूरिशो येन निर्मापितं सत्यदयगंबरं वतर्म यत्राद्रितं यद्वचो भीर्मता यस्य सत्यात्मता।